जय हिंद प्यारे साथियों, आज मैं इतिहास का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहले वीडियो हमने आपको पढ़ाया था प्राचीन भारत के इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में भारत के इतिहास और भारत के इतिहास के हमें जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, और हमें कैसे पता चला कि इतिहास क्या होता है, इतिहास के मुख्य स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हमने शुरू करते हुए आपको जिस भी हिस्ट्री को बताया था उस इतिहास में यहाँ तक भी चर्चा कर चुका था भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और इसका नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, इन सभी चीज़ों को हम कल के क्लास में चर्चा कर चुके थे। और आज की क्लास में हमारा यहाँ चर्चा का विषय है, कल यहाँ तक हम और कुछ चर्चा कर चुके थे, ऋग्वेद का भी चर्चा कर चुके थे और वेद के बारे में चर्चा कर चुके थे। वेद के साथ साथ में वेद को यदि हम भली बात से पढ़ते हैं तो वेदों को पढ़ने के लिए हमें वेदांगों की रचना की गई। तो चलिए एक बार हम फिर से शुरू कर लेते हैं और एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं वेद और वेदांग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है और कुछ पुरातत्व से उत्खनन प्राप्त से भी बहुत प्रकार से जानकारी के सोर्स मिलते हैं, जिसमें हम कुछ प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद होता है, और वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जिसमें से सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद होता है और सबसे नवीनतम या नया वेद अथर्ववेद होता है। और इसमें देखें वेदों को भली भांति से पढ़ने के लिए हमें वेदांग पढ़ने चाहिए। वेदांग होते हैं 6, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेदांकों की संख्या 6 होती है, कल इनके बारे में चर्चा किया था, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। एक बार फिर से समझेंगे, वेदांग होते हैं 6। वेदों को भली भांति से पढ़ने के लिए हमें वेदांकों की रचना की गई है, और वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। ये 6 वेदांग है। अब देखिएगा, जैसे कल हम ऋग्वेद को समाप्त कर चुके थे, लगभग कुछ पॉइंट उसमें से छूटा हुआ था। जैसे ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख है। इस बात को ध्यान देना, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख ये ऋग्वेद में किया गया है। अब उसके बाद देखिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है। इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है, कैसे प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, देखिए प्राचीन इतिहास हम साधन की बात कर रहे हैं, साधन के रूप में जब वैदिक साहित्य की बात करते, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, वैदिक साहित्य के बाद ऋग्वेद में शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। याद रखना, यह शतपथ ब्राह्मण अभी आपको दिखाया जाएगा या एक पुराण है। आगे देखते हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिए, सास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय नियम का संकलन यजुर्वेद कहलाता। सबसे पहले समझते हैं यजुर्वेद किसे कहते हैं, तो इसमें क्या बताया गया है, सास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय जो भी नियम का संकलन होता है, उस नियम के संकलन को यजुर्वेद कहते हैं। अब जो इसके ऋग्वेद के पाठ करता है, यजुर्वेद के पाठ करता को अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठ करता कौन है, अर्धवर्यु कहते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा यह इकलौता वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में आता है, गद्य एवं पद्य दोनों में आने वाला वेद ऋग्वेद कहलाता है। इस बात को समझ पा रहे हैं आप सब, कभी कभी इंपॉर्टेंट में सीधा परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वह ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में आता है। फिर उसके बाद आते हैं तीसरे वेद की ओर हम, और तीसरे वेद का नाम है सामवेद। जैसे कि आप जानते हैं ऋग्वेद का वो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, फिर दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद। और यहाँ पर सामवेद का अर्थ साम, इसको समझने से ही होता है, साम का मतलब होता है गायन,
मतलब कि गायन और वेद का मतलब तो वेद होता है, अर्थात गायन का वेद, गायन का वेद किसे कहते हैं? सामवेद कहते हैं, क्योंकि साम का मतलब ही होता है गान, और इसी सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखना, एक इंपॉर्टेंट अगर कुछ आता है गाई जाने वाला वेद, मतलब गीत यानी कि गाने वाला वेद कौन सा है जिसमें गाने की बात की गई, तो सामवेद में ही गाने की चर्चा भी की गई, जितने भी गीत श्लोक सभी आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि जो यजुर्वेद और सामवेद ये दोनों वेद हैं, इस बात को ध्यान देना है कि यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। देख रहे यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक या किसी भी ऐतिहासिक या विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का स्रोत नहीं मिलता है। आए हाँ मित्रों, यहाँ तक आप लोगों को ये इतिहास के बारे में जानकारी समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं अगले की ओर। अगला वेद, अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। पहला नंबर अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है, इसके रचयिता अथर्व ऋषि को माना जाता है। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है, इस वेद को इस वेद के रचयिता अथर्व ऋषि हैं। और इस बात को ध्यान देना, आप सुने होंगे जग तंत्र मंत्र जादू दोनों भीत भूत पिशाच किस वेद में आता है, तो अथर्ववेद में ही आता है। और याद रखना इसमें अथर्ववेद में लगभग 600 पद्य हैं इसमें, हाँ 600 पद्य हैं, सॉरी 6000 पद्य हैं, हाँ इसमें कितने पद्य हैं? 6000 पद्य हैं। और जिसमें वेदों में जो मंत्र उच्चारण है, मंत्र उच्चारणों की संख्या 731 है, इसमें मंत्र उच्चारणों की संख्या कितनी है? 731 है। और इस वेद में याद रखना है इसमें इस बात को, जो ऋग्वेद है ऋग्वेद में कन्याओं की निंदा की बात करता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें कन्याओं की निंदा की बात क्यों करता है। बात यहाँ पर थोड़ी सी इस बात को समझना है कि ऋग्वेद में कन्याओं की निंदा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये तंत्र मंत्र जादू टोना का है। यदि कोई व्यक्ति अगर तंत्र मंत्र या जादू टोना सीखता है तो इससे कहा जाता है कि आप कन्याओं से या स्त्रियों से दूर रहना है, क्योंकि यदि उनसे दूर नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मतलब कि खंडित हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर कहा जाता है कि नारी के पास अगर कुछ भी विद्या या तंत्र मंत्र सीख रहे हैं तो उनसे आपको दूर ही रहना चाहिए। फिर साथ में आते हम देखते हैं जो ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, सॉरी अथर्ववेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो कि ऋग्वेद से भी पुराने या प्राचीनतर मंत्र हैं, जो कि प्राचीनतर का मतलब होता है पुराना। इसमें बहुत सारे ऐसे मंत्रों को भी लिया गया है जो कि आपको ऋग्वेद से भी पहले इन मंत्रों का उल्लेख किया जाता था। अगला यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे हमने बता ही दिया जो अथर्ववेद है ये जादू टोना तंत्र मंत्र भूत वशीकरण आदि का अगर पूछा जाएगा किस वेद के अंतर्गत आता है, तो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। फिर इसमें बात करते हैं, जैसे आपको परीक्षा में पूछा गया जादू टोना या तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है, तो आप बोलेंगे अथर्ववेद है। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्व ऋषि है। इसमें पद की संख्या कितनी है? बोलेंगे 6000 है। और इसमें बोलते हैं यदि इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो मंत्रों की संख्या टोटल 731 है। 731 नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं मंत्रों की संख्या। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये निकल कर आता है, आप यहाँ पर सभा और समिति देख रहे हैं, ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जो सभा और समिति है, सभा और समिति ये दो पुत्रियाँ हैं, और ये भी किसकी? प्रजापति की दो पुत्रियाँ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, बस इसमें और कुछ नहीं है, इसमें केवल ऐसे पूछा जाएगा सभा और समिति क्या है, या सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियाँ हैं, या ऐसे पूछ लिया जाएगा प्रजापति की दो पुत्रियाँ का क्या नाम है, प्रजापति की दो पुत्रियों का नाम सभा और समिति है। फिर आगे देखते हैं अगला क्या है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हम बता ही चुके हैं, और सबसे न्यूनतम वेद या बाद का वेद, मतलब बाद का न्यूनतम अथर्ववेद बता चुके हैं।
अगला देखना, इसमें आता है हम पुराणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखना पुराणों की संख्या होती कितनी है, 18। पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18। जैसे उन्हें के वामन अवतार, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, तो पुराणों की संख्या 18 होती है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु भगवान के अवतारों का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण में विष्णु पुराण भी आता है, मत्स्य पुराण, और इन दोनों में भी विष्णु भगवान के, मत्स्य पुराण में भी विष्णु भगवान के अवतार का उल्लेख किया गया है। याद रखा, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण या सबसे पुराना पुराण है। अब देखेंगे पुराणों के रचयिता कौन है। देखिए पुराणों के रचयिता एक तो ऋषि लोमहर्ष, कौन, ऋषि लोमहर्ष, और उनके पुत्र उग्रश्रवाक हो जाता है। किसको, पुराणों में लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवाक हो जाता है। बताया हमने पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, और जिसमें से कुछ पुराण का नाम मैंने दिया हूँ जो कि आपके ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, फिर वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण, ये हमने कहा कि कुछ पुराणों के नाम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। पुराण टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं, जिनमें से हमने दे दिया, और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, आप कहेंगे मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा होते हैं। इसमें एक बात ये भी पूछी जाती है, जो पुराण लिखे गए हैं ना, ये संस्कृत के सरल श्लोकों में, काफ़ी सरल लिखे गए हैं, और वो भी संस्कृत के श्लोक में ही लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ नहीं आ रहा है, आप देखिएगा कि हम यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से देख पढ़ा रहा हूँ। और मैं सभी छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको जो भी हिस्ट्री पढ़ाऊँगा एकदम पूरे फुल डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा, लेकिन बस छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको भी बोरिंग ना हो सके, और साथ ही साथ आप इन सभी फैक्ट को धीरे धीरे तैयार करते चले। पर डे मैं आपको 1 से 2 वीडियो पर डे डालूंगा। तो जय हिंद प्यारे साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।